दोस्तों, एस्ट्रो गाइड में आपका वेलकम। आज हम बात करेंगे, जब भी कुंडली में सूर्यदेव खाना नंबर 12 में होंगे तो उसके हमें क्या फल मिलते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमने ग्रहों की सीरीज़ जो है वो शुरू की है। दोस्तों, हर ग्रह के बारे में आज हम बात करेंगे। कोई भी ग्रह अगर किसी भी भाव में होगा तो उसके हमें क्या फल मिलेंगे। तो आज के लिए हम बात करेंगे सूर्यदेव के बारे में। तो दोस्तों, सूर्य जब भी कुंडली के खाना नंबर 12 में होगा तो उसके लिए सुख की नींद, ऐसा इंसान को बोला गया है। मगर कंडीशन है कि ऐसा इंसान जो होगा वो प्रायः आग में भी जलता हुआ होगा। खाना नंबर 12 को अगर आप समझें तो कहीं ना कहीं खाना नंबर 12 है वो राहु देव के बुनियाद है। खाना नंबर 12 राहु देव का अपना खुद का पक्का घर है और उसका दुश्मन जो है सूर्य, जब भी उसके घर में आएगा तो कहीं ना कहीं राहु और सूर्य का ग्रहण भी होगा। लेकिन इसी भाव में गुरु देव का भी असर होता है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं गुरु और सूर्य का मेल भी यहाँ पर अच्छा माना गया है। तो अब हम इन जो युतियाँ हैं दोस्तों, उनके बारे में चर्चा करेंगे कि सूर्य का जब भी राहु से हम समावेश करेंगे तो क्या फल होंगे, गुरु से समावेश करेंगे तो क्या फल होंगे। तो दोस्तों, खाना नंबर 12 को वैसे भी खर्च का घर बोला गया है, रात की नींद का घर बोला गया है और हमारा बेडरूम जो है वो खाना नंबर 12 से ही हम देखते हैं। अब सूर्यदेव का यहाँ पर बैठना कहीं ना कहीं राहु का साया चल रहा होगा। सुखिया रात का मालिक, मगर प्रायः आग या ममता में अपने आप गिरकर मरने वाला होगा। इट मींस कि ऐसा इंसान अगर किसी भी दूसरे के झगड़ों में पड़कर इंटरफेयर करे तो राहु की बिजली जो होगी वो सूर्य के ऊपर गिरेगी। तो ऐसा इंसान बेफजूल के लड़ाई झगड़ों में अपनी इंटरफेरेंस दिखा के खुद की बदनामी ऐसे इंसान के ऊपर पड़ जाती है। तो ऐसे इंसान को किसी भी झगड़े या किसी के मसले में नहीं पड़ना चाहिए दोस्तों। खासकर रात के समय में कोई भी ऐसी चीज़, अगर आपकी एक्टिविटी होती भी हो कहीं पे, तो आप वहाँ पे इंटरफेयर बिल्कुल भी ना करें। अब यहाँ पे सूर्य और शनि का भी किसी तरह का कोई झगड़ा ना होगा और शुक्र और बुध मंदे भी नहीं होंगे दोस्तों। बृहस्पति का जो प्रभाव होगा दोस्तों, वो कुछ हद तक शक्की हो सकता है। तो ऐसे इंसान के लिए ये भी बोला गया है दोस्तों कि ऐसा इंसान अगर नौकरी करे या मालिक रहे या गरीब रहे या वफादार रहे, अगर वो धर्म को मानने वाला होगा, अगर धर्म की बुनियाद पे चलने वाला होगा, गुरु के गुण उसके अंदर होंगे, तो ऐसा इंसान लंबी जागीरों का मालिक भी होगा। जितना वो अपने धर्म के प्रति विश्वास रखेगा, धर्म के ऑपोजिट नहीं चलेगा, बड़ों का सत्कार करेगा, आदर करेगा, झूठ गबन गाली गलौच ये बिल्कुल नहीं करेगा, तो ऐसे इंसान को लंबी जागीरों का मालिक भी बोला गया है दोस्तों। सूर्य के अच्छे फल लेने के लिए दोस्तों, घर में आटा पीसने की चक्की आप रख सकते हैं। ऐसा इंसान अगर राज दरबार मीन्स की सरकारी नौकरी करे तो भी अच्छा, अगर नहीं करता है तो व्यापार से भी ऐसे इंसान को लाभ मिल जाता है दोस्तों। ऐसे इंसान को हमेशा शनि और राहु के जो भी काम होते हैं दोस्तों, उन चीज़ों से हमेशा परहेज रखना चाहिए। शनि और राहु से सूर्य को ग्रहण भी लगता है, सूर्य के फल भी खराब होते हैं दोस्तों। तो कहीं ना कहीं ऐसे इंसान को हमेशा एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि बंद कमरे, अंधेरे कमरों में इसे ऐसे इंसान को बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए दोस्तों। धर्म की पालना हमेशा ऐसे इंसान को आबाद करती रहेगी। घर में एक खुला सेहन या खुला दरबार हमेशा होना चाहिए दोस्तों। और स्पेशली सूर्य खाना नंबर 12 के लिए आपने राहु को एक्टिव बिल्कुल भी नहीं करना। अपने ससुराल वालों से कभी भी बिजनेस ना करें, उनके साथ कोई भी बिजनेस का कैटेगरी बिल्कुल भी ना रखें दोस्तों।
तो आपको सूर्य 12 के अच्छे फल मिलते रहेंगे। अब सूर्य खाना नंबर 12 में अगर आपका नेगेटिव फल दे रहा होगा तो उसके हमें क्या कारण मिलेंगे दोस्तों, कि ऐसा इंसान जो होगा उसके दिमाग की हड्डी या दिमागी में विचारों का आना, मर्द और स्त्री का आपस में शत्रुता बन जाना, बदनामी हो जाना, छत के ऊपर कोयले रखना या कहीं ना कहीं से किसी को बददुआ या बुरी नज़र रखना, और सबसे ज़रूरी चीज़ दोस्तों टेक्नीशियन के काम कोई भी हो, बिजली के काम कोई भी हो, ऐसा इंसान बिल्कुल भी ना करे और अंधेरे मकानों का साथ बिल्कुल भी ना रखे। प्राई ममता, किसी की झूठी गवाही, जमानत, गबन बिल्कुल भी ना करे, किसी की अमानत बिल्कुल भी ना मारे, तो सूर्य जो होगा आपको हमेशा अच्छे फल देगा। अगर आप इन सब चीज़ों को करते हैं तो सूर्य का फल बिल्कुल निष्फल हो जाएगा दोस्तों। तो सूर्य को 12 में खाने के लिए आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि राहु को एक्टिव मत करें, गुरु की सपोर्ट लें, बुध की सपोर्ट लें। बुध से जब भी सूर्य मिलेंगे तो मंगल नेक बन जाते हैं जो राहु को कंट्रोल करेंगे। तो उपाय के लिए दोस्तों यहाँ पे कुछ ज़्यादा उपाय तो नहीं हैं, लेकिन फिर भी उपाय के लिए आप यहाँ पे छोटी चींटियाँ जो होती हैं लाल रंग की, उनको आप पंजीरी बना के उनको डाल सकते हैं। बंदरों को आप गुड़ चना जरूर खिलाएं संडे के संडे, और नॉन वेज ड्रिंक सिगरेट का परहेज रखें, और धर्म को हमेशा मानें। तो इन चीज़ों को अगर आप करते हैं दोस्तों तो सूर्य 12वें खाने में बैठे हुए आपको अच्छे फल ज़रूर देंगे दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो ये अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे आप लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।